देखिए बैल को कैसे तोड़कर ऐसे अलग करके रख रहे हैं, और आप लोग भी बनाना चाहते हैं तो आप लोग भी ऐसे तोड़ के अलग करके रखना पड़ेगा। तो चलिए तो नेक्स्ट प्रोसेस बताते हैं। ये तोड़ने के बाद ऐसे रखने के बाद नेक्स्ट आप लोग को क्या करना है, तो उधर भी देख सकते हो नारियल काटा जा रहा है। इधर देख सकते हो नारियल को छोटा छोटा पीस बना रहे हैं और केले को भी अलग कर रहे हैं। तो केले को भी इधर भी देख सकते हो इधर क्या कर रहे हैं। और देखिए डेग पे एक पानी भरा हुआ है, सफ़ेद पानी लाना, देख सकते हो ये सफ़ेद पानी है। और सफ़ेद पानी में ये जो बेल को तोड़ कर ये अलग करके रखा गया था, तो इसे डालना उस पानी में। पानी में डालने के बाद अच्छी तरह से इसे मिलाना है। देखिए कैसे मिला रहे हैं। देख सकते हो हमारा फ्रेंड ने ये सब रेडी कर लिया, सब ये डाला जाएगा और डेग पे। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस, ये केला दिखा रहे हैं, देखिए हमारे फ्रेंड ने केला दिखा रही है। और ये है अंगूर, लाल वाला अंगूर है और ग्रीन वाला भी अंगूर है। और ये देखिए मिठाई है, ये मिठाई तो इसे भी डाला जाएगा। इन सबको मिला करके बनाएंगे। और इधर देखिए नारियल भी है, नारियल को छोटा छोटा पीस करके और ग्राइंडिंग भी करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ग्राइंडिंग नहीं है तो छोटा छोटा पीस कर लेते हैं और मिक्स कर लेंगे। मिक्स होने के बाद देखिए ये जो वेस्ट वाला पार्ट है तो इसे बाहर निकल देना है, इसका कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए इसको अलग कर लेते हैं। ओके, तो पहले आप लोग केले को मिक्स करके अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे, फिर बाद में फिर केले को मिक्स करने के बाद ये जो चीनी है, चीनी को जितना चाहिए उतना ही डालना। ओके, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा मीठी हो जाएगी, तो मीठी होगा तो इतना ज़्यादा भी अच्छा नहीं लगेगा, तो जितना ज़रूरी उतना ही देना चीनी को। ओके, तो नेक्स्ट देखिए
इसको आप लोग क्या बोलते हैं, हम तो बूंदिया बोलते हैं। तो ये मिक्स कर लिए, तो नेक्स्ट क्या मिक्स करते हैं देख सकते हो। नेक्स्ट देखिए ये अंगूर है, अंगूर को भी मिक्स कर लेते हैं। लाल वाला अंगूर और ग्रीन वाला अंगूर मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से, चकड़ के इसको मिक्स करना पड़ता है। और मिक्स कर लेते हैं, तो देखिए कैसे मिला रहे हैं वहाँ पर। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमारा बन जाएगा पोहा। तो चलिए मिलाते हैं। तो अब हो चुका है पोहा। तो देखिए ये तरह सब लोग की पी रहे हैं, कैसा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आप लोग भी ऐसा बनाकर जरूर थोड़ा ट्राई करना, तो बहुत ही अच्छा लगता है पीने में, ये तो गर्मी दिन में। ये तो गर्मी दिन में ही बना करते हैं, क्योंकि गर्मी दिन में हर सीजन में आप लोग पी सकते हैं किसी भी सीजन में। तो बेल मिलना ज़रूरी है, तो बेल तो एक ही सीज़न में मिलता है, ये भी गर्मी सीज़न में ही मिलता है। तो इसलिए यहाँ को बनाया जाता है गर्मी दिन में, और अच्छा लगता है पीने में, ठंडे लग कूल कूल। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग को कमेंट करके बताना, और इस वीडियो अच्छा लगा तो और रेड वाला बेल आइकन को मार के तोड़ देना है।